हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चायल्स किचन। आज मैं बताऊंगी तीन टाइप के बिस्किट्स बनाना, कोकोनट आलमंड कुकीज, ऑरेंज कुकीज और चॉकलेट कुकीज, जो कि रागी और ओट्स के आटे में से बनाए हुए हैं। ऑरेंज कुकीज मैंने मैदे में से बनाए हुए हैं और कोकोनट कुकीज मैंने कोकोनट वाले बनाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को देने के लिए भी बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैंने कुकीज में बादाम, ओट्स और रागी का यूज किया हुआ है, तो ये बच्चों भी खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, या तो फिर हमें प्रॉब्लम ऐसे कफ किया ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें स्वीटनेस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है फ्रेंड्स, और क्योंकि ये हमने घर पे बनाए हुए हैं, हमें पता है इसमें हमने क्या डाला है, तो ये बच्चों को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगे या हमको भी कोई खिचकाट नहीं होगी कि नहीं हमने बच्चों को बाहर का दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये थ्री टाइप्स के होममेड कुकीज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। कुकीज बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बटर। अगर आप मैं एक ही बैटर में से तीन चार कुकीज बनाऊंगी तो इसलिए हमारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, पर हमें स्टार्टिंग में चाहिए होगा बटर, चीनी, मिल्क पाउडर, दूध और बेकिंग पाउडर। मैंने ये ब्लूबर्ड कंपनी का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, और मैंने बटर भी अमूल का सॉल्टेड यूज किया है, आप कोई भी सॉल्टेड बटर यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बेसिक डो रेडी करते हैं, फिर उसमें से हम तीन से चार टाइप की कुकीज रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैं लूंगी तकरीबन आधा कप बटर। मैंने ये मेजरमेंट का कप लिया हुआ है ताकि मुझे मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसमें मैं तकरीबन आधा कप चीनी डाल दूंगी। और साथ में 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और इसको हम प्रॉपर मिक्स करेंगे। इसको हमें हाथ से मिक्स करना है ताकि इसके जो क्रम्बल्स होते हैं वो बन जाए, और इसमें साथ साथ में मैं मिल्क पाउडर डाल दूंगी तकरीबन 8 चम्मच जितना। मैंने 8 टेबलस्पून डाला है और इसको मैं मिक्स करती हूँ। आप देख सकते हैं ये क्रम्बल तुक्के जैसा रेडी हो गया है। अब मैं इसको बीटर से बीट करूंगी, इसको बीटर से मिक्स करना है, और साथ ही में इसमें मिल्क डाल दूंगी मैं तकरीबन वो भी 7 चम्मच जितना डालना है। एक साथ मत डालिएगा फ्रेंड्स, मैं तकरीबन 5 चम्मच डाल के फिर बाद में डालूंगी दूसरा। और मैंने 7 चम्मच दूध मिल्क ऐड कर दिया है, तकरीबन 7 चम्मच चाहिए हमें मिल्क। इसे हमें दो से या तीन मिनट के लिए बीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो गया है, इसका मतलब है कि ये बीट हो चुका है। तो अब ये हमारा बेसिक बैटर रेडी है। अब हम इसमें से अलग अलग करके 2 या 3 प्रकार के बिस्किट बनाएंगे, जितने हो सकेंगे उतने में बनाऊंगी, दूसरे का वीडियो में बाद में पोस्ट करूंगी फ्रेंड्स। लगभग इसमें से 3 डिफरेंट टाइप्स के मैं बनाऊंगी, अभी देखते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट कुकीज रेडी करते हैं। उसके लिए मैं ये बटर 1/2 कप जितना बैटर लूंगी। तो मैं फर्स्ट ओट्स और रागी के चॉकलेट बिस्किट्स बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं लूंगी ओट्स का आटा है, जो मैंने नेचुरल ओट्स मिलते हैं नॉर्मल, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस दिया है, और ये रागी का आटा है जो कोई भी कहाँ पे भी मिलता है आटा है, जो मैंने डीमार्ट से या बिग बाजार में हमको मिल जाती है रॉ फॉर्म में रागी, मैंने उसको भी रोस्ट करके बनाया है, या तो फिर आपको किसी भी घंटी वाले के वहां पे से मिल जाएगी। 2-2 चम्मच मैंने डाले हुए हैं, फिर हमको चाहिए होगा तो हम एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि इसमें हम कोको पाउडर भी डालेंगे, हम चॉकलेट बिस्किट बना रहे हैं। और 1 टेबलस्पून जितना
1 से 1.5 टेबल स्पून जितना हम चॉकलेट पाउडर डालेंगे, कोको पाउडर, और साथ ही में थोड़ी चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। साथ ही में मैंने 1 टेबल स्पून जितनी चॉकलेट चिप्स डाल दी है ताकि बिस्किट्स में भी अंदर टेस्ट आए थोड़ा चॉकलेट का। इसे हम प्रॉपर मिक्स कर देंगे और साथ ही में हम थोड़ा वनीला एसेंस डाल देंगे एक ढक्कन जितना, जिससे कि इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आए। आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज्यादा सूखा लग रहा है तो हम बटर मिल्क ऐड करते हैं इसमें। मैं 1 चम्मच जितना मिल्क ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 1 चम्मच जितना मैदा यूज करूंगी, क्योंकि मैंने मैदा बिल्कुल नहीं डाला हुआ है। थोड़ा सा यूज करेंगे तो ये कंबाइन अच्छे से होगा। अब ये हमारा बिस्किट का बैटर एकदम रेडी है। हम ओवन को प्रीहीट करने रख देंगे कन्वेक्शन पे, और साथ ही में मैं एक बेकिंग ट्रे पे बटर लगा के इसको ग्रीस कर दूंगी। और अब मैं इसको अपनी बेकिंग प्लेट में निकाल लूंगी। एकदम इजी रेसिपी है ये, और मैं एकदम होममेड तरीके से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी कुकीज बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसका आटा हमें पराठे जितना रखना है, क्योंकि ये कुकीज बना रहे हैं हम, बिस्किट बना रहे हैं। इसको मैं ऐसे हाथों से ही बना मिक्स दबा दूंगी। मुझे इसके स्क्वायर शेप चाहिए तो मैं इसको पहले से ही ऐसे स्क्वायर करके फिर कट करेंगे हम, जिससे ये नेचुरली ही स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको हाथों से ही स्क्वायर शेप दे दिया है ताकि मुझे राउंड शेप नहीं बनाना है। मैं कुकी कटर के बगैर ही आपको बनाने के दिखा रही हूँ, ताकि आप भी अगर चाहे तो बगैर कुकी कटर के बिस्किट बना सकते हैं। और आपको इसको मैं इसके ऊपर थोड़ा चॉकलेट चिप्स और डालूंगी ताकि बाहर से भी दिखे, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसको थोड़ा और हाथों से दबा दूंगी। हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है और अब मैं इसके स्क्वायर छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। जितना भी मुझे बिस्किट बड़ा चाहिए मैं उतना इसका शेप दे दूंगी। मुझे ज्यादा बड़े नहीं चाहिए, इसलिए मैं इतने ही शेप दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्क्वायर शेप के कुकीज रेडी होने वाले हैं। अभी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं ये। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा इससे प्रेस कर दूंगी कांटा स्पून से, जिससे इस पे इसे डिजाइन भी आएगी और जो चॉकलेट चिप्स है वो भी अंदर चली जाएगी। जो बीच में ऐसे चिप्स आ गई हो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे प्रेस करेंगे, वैसे तो ये कुकीज जब फूलेंगी तो चिप्स अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी, पर इससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उसको। तो अब हमारी ये कुकीज की प्लेट रेडी है ओवन में जाने के लिए। मैं इसको कन्वेक्शन मोड पे 15 मिनट्स के लिए रखूंगी। मेरी कुकीज बेक हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरे कुकीज की रेडी प्रिपरेशन तैयार करते हैं। अब मैं बनाऊंगी कोकोनट कुकीज। तो उसके लिए मुझे चाहिए 1/2 कप जितना बैटर ले रही हूँ मैं, वो जो हमने पहले बनाया हुआ है। इंग्रेडिएंट्स सेम है, बस उसमें हमें कोकोनट पाउडर एक्स्ट्रा चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी सभी चीजें सेम रहेगी। तो अब हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जितना कोकोनट ऐड करेंगे, जितना ज्यादा आपको पसंद हो। मैं 3.5 टेबलस्पून ले रही हूँ और इसमें हम एसेंस कोकोनट एसेंस ऐड करेंगे। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप वेनिला भी यूज कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है इससे। और साथ ही में इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून जितना आलमंड पाउडर। काजू और बादाम का मैंने मिक्स किया हुआ है, क्योंकि मैं हेल्दी कुकीज ही बनाती हूँ तो मैंने ये कोकोनट आलमंड कुकीज बनाई है, बना रही हूँ अभी, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो कुछ हेल्दी भी होना चाहिए ना।
अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हर चीज को आप व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुकीज हमेशा ज्यादातर मैदे में ही अच्छी लगती है, तो इसके बाद में हम ये मैदा डालेंगे। जितना जरूरत होगी उतना ही डालेंगे, इसीलिए मैं पहले सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करती हूँ, फिर जरूरत पड़े वैसे मैदा डालती हूँ। और अब मैं इसमें जितना जरूरत होगी उतना ही मैदा यूज करूंगी। ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच मैदे से ही मेरा मिक्सर रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये हम कुकीज बना रहे हैं, इसका डो ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना हमारी कुकीज अच्छे से फूलेगी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। और क्योंकि मेरी कुकीज मेरी ओवन ट्रे में पड़ी हुई है, इसलिए मैं ये और एक ट्रे लूंगी, छोटी वाली है और चलेगी। इसको भी मैं ऑयल बटर से ग्रीस करूंगी, और ग्रीस करने के बाद मैं इसके छोटे छोटे पैटे बना के, ज्यादा फ्लैट नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको हमें ऐसे ही रोल करके सिर्फ धीरे से इतना ही प्रेस करना है, इतनी मोटी होनी चाहिए ताकि वो उसको पूरा स्पेस मिले। और उसको यहाँ पे प्लेट में अरेंज कर दूंगी, ऐसे ही मैं दूसरी बना दूंगी, क्योंकि ये मेरी प्लेट छोटी है, थोड़े बच रहे हैं, वो मैं उस दबले बिस्किट्स के प्लेट में अरेंज कर दूंगी। अब मैं इसको जरा सा प्रेस करूंगी ऐसे, ताकि उसके ऊपर डिजाइंस भी आ जाए और वो ज्यादा फुली हुई भी ना लगे। और अब जब हमारे चॉकलेट कुकीज भी रेडी होने आए हैं, तो फिर बाद में मैं इसको ओवन में सेट कर दूंगी, इसको भी 15 मिनट्स के लिए रखना है। तो फिर मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि कैसे बनते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है कोकोनट की। अब हम इसको ओवन में रखते हैं 15 मिनट्स के लिए। थोड़ा बटर जो बचा है उससे हम बनाएंगे ऑरेंज कुकीज। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चों की फेवरेट होती है, क्योंकि इसमें से ऑरेंज फ्लेवर आता है, ऑरेंज कलर भी दिखता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए रेडी करते हैं इसका भी मिक्सचर। अब हम इसमें आटा डालेंगे, मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर, तकरीबन 4 चम्मच जितना जाएगा किसी, क्योंकि इसमें हमें कोई फ्लेवर ऐड करना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसमें थोड़ा आटा ज्यादा जाएगा। और हम डालेंगे ऑरेंज, मैंने इमर्जन लिया हुआ है, ये कलर और एसेंस दोनों का मिक्स आता है, जिससे हमें कलर और एसेंस दोनों डालने की जरूरत नहीं है, इससे कलर भी आएगा और इसके फ्लेवर भी आएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये इमर्जन, जितना कलर डार्क चाहिए हमें उतना ऐड करना है, ज्यादातर ये 3-4 ड्रॉप्स में ही हो जाता है। देखिए इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसको प्रॉपर मिक्स करने से ही इसका कलर डेवलप होगा। और क्योंकि मेरे पास अभी ऑरेंज नहीं है, मैं इसके अंदर लेमन जेस्ट डाल रही हूँ। लेमन जेस्ट का मतलब होता है जो लेमन की ये पीली छाल होती है, अंदर वाला व्हाइट वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। ऐसे लाइट लाइट मैं इसको क्रश करूंगी, इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम लाइट लाइट फ्लेवर आता है, जिससे बहुत ही टेस्टी लगता है हमारा बना हुआ चीज। क्योंकि मैं ये बिस्किट्स बना रही हूँ, इसका आटा मुझे थोड़ा हार्ड चाहिए होगा, जैसे हम रोटी का रखते हैं, क्योंकि इसको हमें बेलना है। तो अब मैं इसमें ज्यादा आटा डाल के हाथों से ही मिक्स करूंगी, 2-3 चम्मच जितना, 2-3 चम्मच जितना आटा मैंने लिया है, मैं इसको हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा बनके रेडी है, एकदम रोटी जैसा आटा बनाया है मैंने, हम जो रोटी बनाते हैं वैसा सॉफ्ट आटा बनाया है। अब हम इसको बेल लेंगे, हमारी कुकीज वो चॉकलेट वाली रेडी हो चुकी है, मैं निकाल रही हूँ अभी थोड़ी देर में। आटा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम रोटी जैसा आटा है। अब हम इसे बेल लेंगे, इसको बेलने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आटा छिड़कूंगी और फिर मैंने जो वो लिया है ऑरेंज का,
उसको रोल करने के लिए मुझे चाहिए होगा बटर पेपर। जब इस बटर पेपर को ऐसे में फोल्ड करके बीच में आटा रख दूंगी ताकि हम इजीली निकाल पाए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि जिसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, जल्दी से टूट जाता है ये बिस्किट। इसको हम ऐसे ही बेल लेंगे। अगर अंदर टूट रहा है तो उसे आप हाथों से प्रेस कर सकते हैं। ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हम डायरेक्टली भी बेल सकते हैं पर इससे ज्यादा चिपकने का टेंशन नहीं रहता। और अब मैं इसको, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा सा बेल गया, बेल चुका है। राउंड शेप में कट करेंगे। मैंने ये बॉटल का ढक्कन यूज किया है, आप चाहे तो इसका रिंग कटर या कुकी कटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको राउंड शेप करना चाहती हूँ प्रॉपर, तो इसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। इसको ऐसे ही लगाएंगे, प्रेस करेंगे और निकाल लेंगे जिससे इसका अच्छा सा शेप आ जाएगा। इवनली एक शेप में ही सारे बिस्किट्स होंगे। मैं ऐसे ही सारे बिस्किट्स कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे के शेप में ला दिए हैं। अब हमें इसको बहुत ही केयर से हैंडल करना है। इसको निकालने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इसको ऐसे ही छोटे किसी स्पून से, या मैंने ये तावेथा लिया है, हमारे गुजराती में इसको ये बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या यूज बोलते हो। इससे मैं इसको प्लेट में अरेंज कर दूंगी ऐसे, एक एक करके मैं सारे बिस्किट्स को ऐसे सेट कर दूंगी और प्लेट में। ये मैंने सारे कुकीज इसमें सेट कर दिए हैं बिस्किट्स को, और जो आटा बचा हुआ है उसको मैं फिर से बेल के उसके भी दूसरे बिस्किट्स बना लूंगी। तो अब ये मेरे सारे बिस्किट्स रेडी हैं। मैं इसको भी अब ओवन में रख लेती हूँ 10-15 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ऑरेंज बिस्किट भी रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब ये जरा ठंडे हो जाएंगे और एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। वैसे भी ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, खुशबू तो लाजवाब आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑरेंज टैंगी फ्लेवर के हैं। चलिए अब हमारे कोकोनट बिस्किट ही बाकी है सिर्फ, फिर मैं तीनों को साथ में दिखाती हूँ आपको।